नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश और पूरी दुनिया इस समय COVID-19 यानी कोरोना के वायरस से परेशान है, और पूरा जो हमारा समाज है वो भी अपने घरों में लॉकडाउन होकर बैठा हुआ है। और हम सिटी लाइव के माध्यम से आपसे भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि जब तक हो सके अपने घरों से न निकलें, अपने घरों के अंदर ही बैठें। आपकी बात हमारे साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि जाने माने देश के शिक्षाविद हैं, और आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। नमस्कार। सुनील जी, सबसे पहला हमारा ये सवाल कि हम सुरक्षित तो हमारा परिवार सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित और हमारा समाज सुरक्षित। आप इस लॉकडाउन की पालना किस तरह कर रहे हैं, कब से आप घर से नहीं निकले हैं, और सुबह से शाम तक आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जब से एक COVID-19 की बात आई, और क्योंकि ये केवल भारत के मामला ही नहीं था, पूरा विश्व स्तरीय मामला था, पूरी दुनिया इस संकट से दो चार हो रही है। जी तो ऐसे में जैसे ही ये बात आई कि भी भारत में भी इसका प्रवेश हो गया है, और जब राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने और बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी लॉकडाउन की बात कही, तो और उन्होंने इस बारे में बहुत ही ताईद किया था सभी लोगों को, भाई जो जहां है वो वहीं रहे। जी तो जिस दिन उन्होंने ये कहा, आप मान लीजिएगा उस दिन से मैं बिल्कुल अपने घर पे हूँ। मैं किसी विजिटर से भी नहीं मिल रहा हूँ, किसी से कोई मुलाकात नहीं। जितनी भी मुलाकात है वो केवल डिजिटलाइज मुलाकातें हैं, वर्चुअल मुलाकातें हैं। जैसे अभी आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ तो अपने घर बैठ के वर्चुअल मुलाकात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं, वर्चुअल मुलाकात कर रहा हूँ, मगर इसके अलावा कोई नहीं कर रहा हूँ। जहां तक मेरे समय का ख्याल है, तो बटने चले मेरा पठन पढ़ने का मेरा बहुत ज्यादा मेरी दिलचस्पी रहती है, तो बहुत सारा समय अपने किताबों को देता हूँ। दूसरी बात, मैंने ये भी सोचा अपने लिए फिटनेस चैलेंज क्रिएट करूंगा, तो अपने अपने मैंने कुछ अपने गोल सेटल किए, और इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों टाइम एक्सरसाइज कर रहा हूँ खूब जम के, और बाकी टाइम पढ़ने में लगाता हूँ। कि मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि चाहे शिक्षाविद हों सुनील जी हों, या फिल्म कलाकार हों, या हम जैसे पत्रकार हैं, हम सभी अपने अपने घरों में बैठकर ही अपने घर से ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं। ये अभी जो आप लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, ये भी हम अपने अपने घरों से कर रहे हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो अपने घरों पर बैठे हैं, मैं मेरे घर पर बैठा हूँ, और सुनील जी अपने घर पर बैठे हुए हैं। सुनील जी, हम पूरे देश और दुनिया की बात करें, हम लेकिन राजस्थान की भी बात करें सबसे पहले, क्योंकि लगातार राजस्थान में जो COVID-19 के जो लोग हैं, मरीज हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। उनकी संख्या पिछले 3 दिन में हम देखें, और आज का अगर हम आंकड़ा देखें तो करीब 751, जो अभी कुछ देर पहले की हमारे पास सूचना है, 751 पूरे राजस्थान में हो चुके हैं। जयपुर जयपुर में 316 मरीजों की संख्या पहुंच गई है आज, यानी पिछले 12 घंटे में अगर हम बात करें, करीब 50 से ज्यादा लोग जो है इससे पीड़ित हुए हैं। तो आप राजस्थान में किस तरह से देखते हैं ये जो संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, वैसे तो मैं बताता हूँ कि लॉकडाउन ने काफी चीजों को डिमिनिश भी किया है, जी क्योंकि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आप रिसर्च पेपर्स को आप पढ़ें, या बाकी जो लोगों ने जो बातें कही थी भारत के लिए, वो सब प्रोजेक्शन से थे कि 15 तारीख तक आते आते, 15 अप्रैल तक आते आते भारत में हो सकता है खुद में अपने 1 मिलियन पेशेंट्स हों, और उसकी जगह हमने 7-8 हजार तक पूरे देश भर को लिमिट किया हुआ है। तो पूरे देश के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस रह रही है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने एक इनिशियल लेवल के ऊपर काफी अच्छा काम किया दोनों सरकारों ने, इसमें कोई कोई शक शुबाई नहीं है। अब रही राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत तेजी से ये चीज फैल रही है, और विशेषकर मैं तो अपने शहर की बात मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये वो शहर है जहां हम पिछले 14 पीढ़ियों से रह रहे हैं। 1727 के अंदर हम लोगों के पूर्व पुरुष यहाँ पे आ गए थे, तो मुझे आई रियली लव दिस टाउन, मुझे इस शहर से बहुत ज्यादा बेपनाह मोहब्बत है, यहाँ के बाशिंदों से बेपनाह मोहब्बत है। तो जयपुर में जो हो रहा है उसमें कुछ तकनीकी खामियां उसमें रह रही हैं, और उन तकनीकी खामियों के चलते इस समस्या को हम उस लेवल पे, हालांकि सरकार के सारे एफर्ट्स के बावजूद भी, भागीरथ प्रयास किए गए दोनों सरकारों के द्वारा, मगर फिर भी जो अपेक्षित जो सफलता नहीं मिल पा रही है उसके पीछे कुछ वो तकनीकी समस्याएं हैं। जैसे पहली जो तकनीकी समस्या जिसपे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जयपुर के मामले में,
तो जयपुर के अंदर पहले पहला जो सबसे बड़ी जो समस्या आपके पड़ी वो ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टियों की समस्या थी। उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने इस विच विच जो ऐसी भीषण आपदा है, इस भीषण आपदा को भी पार्षदों के चुनाव और उसके प्रचार का माध्यम बना लिया। तो नथिया निकला जयपुर के अंदर इनिशियली वॉर, अब आपका जो वॉल सिटी है उस वॉल सिटी के अंदर जिस ढंग का लॉकडाउन होना चाहिए था, उस वॉल सिटी के अंदर जिस ढंग की सीलिंग होनी चाहिए थी, ये नहीं हो पाई। अगर 22-23 तारीख से ही अगर आप सारे राजनीतिक दलों के सब कार्यकर्ताओं को इससे आप दूर करते, आप उन्हें कहते भाई ये एक भीषण जी आपदा है, डोंट डू पॉलिटिक्स, किसी भी ढंग की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ एक थोड़ी विचित्र सी समस्या थी कि दोनों तीनों दलों के जो भी लोग पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते थे वो इसमें माइलेज हासिल करने के लिए निकल पड़े, जी अपने फोटोग्राफ्स करवा रहे हैं अपने, आप ये देखिए कि जो अब सैनिटाइजेशन को लेके पॉलिटिक्स आपने चालू कर दी, राहत सामग्री के ऊपर भयंकर डंगी पॉलिटिक्स हुई, और जी उस पॉलिटिक्स ने जो किया वो किया कि जयपुर शहर को एक हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो जी पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं बुनियादी रूप से ये तकनीकी एक समस्या आई, और मेरे ख्याल से अगर उसके ऊपर पहले दिन से अगर उस पे अंकुश लगाया जाता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी भले वो सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष हो, हम किसी को भी इस काम में इंटरवीन नहीं करने देंगे, मगर वो नहीं हो पाया दुर्भाग्य से। नतीजा निकला कि ये समस्या आन पड़ी, और जयपुर शहर का एक छोटा सा इलाका, बहुत बड़ा नहीं है, केवल 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो एक हॉटस्पॉट बन गया। एक बार रोकना चाहूंगा और आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह राजस्थान सरकार ने बेहद अच्छा काम किया है, उन्होंने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर, सारी पार्टियों को साथ लेकर जो बेहतर काम दिखाया है वो वाकई तारीफ के काबिल है, और जो भीलवाड़ा का मॉडल है वो पूरे देश में उसको माना जा रहा है कि अशोक गहलोत जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जो रामगंज का, जयपुर का इलाका है जो हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है, यहाँ पर भीलवाड़ा का मॉडल अब तक लागू क्यों नहीं हो पाया है? इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं? कि वैसे तो होता तो मैं क्योंकि उसी इलाके का बाशिंदा हूँ, जी, एक्चुअली मैं कह रहा था 14 पीढ़ी आप से हम ज्यादा लोग रह बेहतर रहे समझ थे। सकते हैं हाँ उस हाँ इलाके के बारे में। मैं कह जी रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल उसी इलाके में पानों के दरीबे में हम लोगों ने, आप मान लीजिएगा 255 साल गुजारे हैं, तो जी 255 साल हमारे, यानी आप समझिए पूरी पीढ़ियां हमारी वहां पे गुजरी है पानों के दरीबे में। मैं उसी इलाके का बाशिंदा हूँ, उसी चौकड़ी का बाशिंदा हूँ, और वहां ऐसा कोई भी शख्स नहीं जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जो मुझे नहीं जानते हो। एक्चुअली देखिए आप एक बात तो समझना पड़ेगा कि भीलवाड़ा एक छोटी सी जगह है जहाँ 3,70,000 टोटल मिला के लोग रहते हैं, तो वहां का कंपोजिशन अलग है, वहां की कल्चर अलग है, यहाँ की जी कल्चर अलग है, यहाँ की इकोनॉमिक्स अलग है। तो दो टाउन्स के बीच में जो बिल्कुल अनइक्वल टाउन्स हो उनके बीच में वैसी पैरिटी नहीं की जा सकती है। तो दूसरी बात यह कि वहां बहुत एक डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, और तीसरी बात यह भी कहीं ना कहीं हुआ है कि हमने शुरुआती दौर के अंदर ही अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसको इस ढंग का ट्रीटमेंट दिया कि उसको लगा कि उससे बहुत बड़ा कोई अपराध हो गया। बीमार देखिए कोई भी हो सकता है, मुबारक भी बीमार हो सकता है, सुनील शर्मा बीमार हो सकता है, दीपक गोस्वामी बीमार हो सकता है, और इकबाल खान भी बीमार हो सकता है। लेकिन ये तो घबराहट की स्थिति बनी कैसे सुनील जी, नहीं नहीं बनी मैं कैसे घबराहट आपको की स्थिति? वही वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं आपको जी बता रहा हूँ कि देखिए पहले तो कुछ ना कुछ बहुत सारे शक शुबे पिछले 3-4 महीने से माइनॉरिटी इलाकों में थे, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, जी एनआरसी को लेकर कुछ शक शुबे थे, और उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो होनी चाहिए थी लोगों को ये समझाया जाना था कि भाई इसमें एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है, एनपीए का कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग ढंग की एक मानवीय त्रासदी है, और हम तुम लोगों से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने किसी और इंसान से करते हैं। तो शायद वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो देखिए पुलिस के माध्यम से नहीं हो सकती है, वो तो वहां लोगों के लिए आपको बाहें खोलनी होती है कि भाई नहीं, वी रियली लव यू पीपल, हम आप लोगों से प्यार करते हैं और इसीलिए यहां पर आए हैं, तो ये बजाय जिम्मेदारी उसके किसकी थी? ये जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस की अगर नहीं थी तो किसकी देखिए जिम्मेदारी थी? देखिए देखिए ये जिम्मेदारी सब लोगों की थी, जी इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का भी रोल था, इसमें मेरा भी रोल था, मैं अपने आप को बरी नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस इलाके के अंदर बहुत सैकड़ों लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो मेरी तरफ भी बहुत आशा की निगाह से देखते हैं। तो जी ये हम सब लोगों का फेलियर है, इसमें सुनील शर्मा का भी फेलियर है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फेलियर है, इसके अंदर पोलिटिकल सब पार्टियों का फेलियर है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम नहीं कर पाए, पहली बात।
दूसरी बात है कि बीमार अगर कोई हो गया है तो उसके साथ एक हल्का सा कहीं ना कहीं इस ढंग का ट्रीटमेंट होने लगा कि उसके घर के ऊपर ढेरों पुलिस जा रही है, उसको आइसोलेशन क्वारंटाइन के नाम के ऊपर। यहाँ देखिए पहली बात तो बताता हूँ आपको, पूरी दुनिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इस मामले में, और वो कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान हो, मैं नरेंद्र मोदी जी का भी एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने कहा था जो जहां है वो वहीं रहे। ओके, और उसके बाद अशोक गहलोत जी ने लॉकडाउन किया और बाद में इसको सील भी कर दिया। तो सीलिंग प्रोसेस के अंदर आपको अंदर जाके लोगों से के लिए चर्चा करनी थी, बीमार है कोई घबराने की बात नहीं, वी विल ट्रीट यू, आपको ट्रीट करेंगे, आपको दुनिया की बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपके हाउस डोर पे की जाएगी। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आप हाउस डोर की जगह जब आप उनको वहां से निकालना चालू कर देते हैं तो एक अलग ढंग के शक शुबे पैदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब निकालने की भी बात आई तो उनको आप 40 40 50 50 किलोमीटर दूर ले जाने की बात आप करने लगे, तो उसके कारण वहां महिलाओं में तो बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। किसी भी आदमी ने इसका सोशल एनालिसिस नहीं किया कि अगर आप उनको उनके घरों से 50 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो वहां की फीमेल्स के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होगा, वहां की साइकी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, मनोविज्ञान पे क्या इंपैक्ट होगा। तो जब आप इस मनोविज्ञान को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप उनको यहां से निकाल के और आप उन्हें ले जाना चाहते हैं मानसरोवर, आप ले जाना चाहते हैं उन्हें सीतापुरा, आप ले जाना चाहते हैं जगतपुरा, तो उसके नतीजा निकलेगा एक हॉट स्पॉट की जगह आपने सेकंड इंफेक्शन का जोखिम ले लिया, पहला तो जो एक बहुत बड़ा जोखिम है, पूरी दुनिया कह रही है, आईसीएमआर लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आप एक कोर जोन बनाइए 3 किलोमीटर का, उसके 4-2 किलोमीटर का बफर जोन बनाइएगा और उसको स्टैंड स्टिल कर दीजिए, उसको फ्रीज कर दीजिएगा। मगर मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन से भी इक्विप्ड नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो लोग इसके इस आपदा प्रबंधन के अंदर लगे हुए हैं उनमें से उन लोगों को एपिडेमिक्स के बारे में, महामारियों के बारे में वैसी स्पेशलाइजेशन नहीं है। क्योंकि हमारे देश की एक समस्या है, हम हर चीज के अंदर ही रामबाण औषधि मानते हैं, हर चीज में आप आईएसएस को आप लगा देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को लगा देते हैं, परमाणु विज्ञान की बात है। सुनील जी, मैं आपकी एक वॉल पढ़ रहा था, फेसबुक वॉल, उसमें भी आपने जिक्र किया था कि मुबारक नाम का जो व्यक्ति था वो बाहर से आता है और पूरे रामगंज में जो महामारी है वो फैल जाती है। अगर एक आदमी के आने से इतनी महामारी फैल जाती है तो अगर इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, जैसा कि आप बता रहे थे इस तरह का कुछ प्लान चल रहा है कि सीतापुरा, जगतपुरा, मानसौर, अगर उनको शिफ्ट करते हैं तो पूरे जयपुर में इस तरह तो ये महामारी फैलने की आशंका होगी। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, सिटी लाइव के माध्यम से, सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि हम सब लोग इससे बच सकें और इस तरह की जो आशंका है उससे हमारा बचाव हो जाए? देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जयपुर के जो भी लोग समझदार लोग हैं, जो जयपुर को जानते हैं, ज्योग्राफिकली जानते हैं जयपुर को, उनको आपने कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया। जो इस बात को जानते हो जयपुर के इटसेल्फ इनसाइड अंदर, आप चलिए होम क्वारंटाइन आपसे पॉसिबल नहीं है, आपका ये कंटेंशन है कि होम क्वारंटाइन पॉसिबल नहीं है, वहां पे छोटे छोटे घर हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, मगर भाई मेरे जयपुर के अंदर खुद के अंदर इतना बड़ा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर आप थोड़े दिन पहले पूरे स्टेट की विधानसभा वहां चल रही थी, बिल्कुल वहां पर थोड़े दिन पहले राजस्थान पुलिस का मुख्यालय था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे स्टेट का मुख्यालय वहां था, थोड़े साल पहले वहां पे सेल्टेक्स का मुख्यालय था, थोड़े साल पहले वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का मुख्यालय था, थोड़े साल पहले वहां पे इंटेलिजेंस का मुख्यालय था, और वो सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी है। और केवल वही खाली नहीं पड़ी है, जयपुर को अगर आप बात करें तो जयपुर के अंदर नाटानियों की हवेली जहाँ पे महाराजा स्कूल चलता वो खाली पड़ा है, राजा शिवदीन जी की हवेली, गणगोरी बाजार स्कूल वो खाली पड़ा हुआ है, दरबार स्कूल खाली पड़ा है, रथखाना स्कूल खाली पड़ा है, माणक चौक खाली पड़ा है, मोतीकटला खाली पड़ा है, एसएस जैन सुबोध स्कूल खाली पड़ा हुआ है। मगर इनको क्वारंटाइन सेंटर बनाने की बजाय अगर आप इन लोगों को ले जाना चाहते हैं जयपुर से 50 किलोमीटर दूर, तो एक तो पहली बात तो वहां पे भय का एटमॉस्फेयर बन रहा है, उस भय के कारण लोग बाहर सामने नहीं आ रहे। आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वहां सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं। मैं आपको बता देता हूं कि रामगंज इलाके के अंदर बड़ी मात्रा में लोग ऐसे हैं जिनके लिए सुनील शर्मा उनका बड़ा भाई है,
किसी के लिए उनका चाचा है, परिवार को बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो उन, 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 आप मैं उनसे मेरी सब सारे लोगों से बात हुई, स्पेशली फीमेल से बहुत बड़ा इसके लिए इसको चल के एक फियर फैक्टर डेवलप हो गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये सब करना है था तो आपके पास ये 3 तारीख से हॉटस्पॉट बन गया था, अब तक आप उन जगहों को तैयार कर सकते थे, पुरानी विधानसभा को आप तैयार कर सकते थे। जलेब चौक की बात करता हूं, एक जमाने के अंदर पूरे जयपुर रियासत आधे राजस्थान की सेक्रेटरीट वहां से चलती थी, और इनिशियली आजादी के टाइम भी शुरुआती दौर के अंदर सेक्रेटरीट यहां नहीं चलती जहां अभी है भगवान दास बैरक में, जलेब चौक से चलती थी, सारा खाली पड़ा हुआ है। जयपुर के इनसाइड अगर आप वॉल सिटी के अंदर बात करें तो 20 से 25 हजार लोगों को वहीं आप क्वारंटाइन कर सकते हैं, और आईसीएमआर भी यही कह रहा है, आईसीएमआर कह रहा है उन्हें वहीं क्वारंटाइन कीजिएगा। आईसीएमआर कह रहा है कि जहां एपिक सेंटर है उसके 3 किलोमीटर पे एक कोर जोन बनाइए, 2 किलोमीटर का बफर जोन बनाइए, और लोगों को वहां से मूव मत करिए। अब जब आप एक इंसान के आने पर देखिए, मुबारक तो एक सैंपल है बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई कोई गुनाह नहीं है, वो सुनील शर्मा भी हो सकता था, दीपक गोस्वामी हो सकता था, मगर एक इंसान से अगर 200 लोग और 200 लोगों से वहां पे इतने लोग अगर वहां पे अगर हुए, सैंपल्स करें, 9% पॉपुलेशन के अंदर पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी है। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकलाइज लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, भले ही रोहित कुमार सिंह कुछ भी कहे, मगर एक लोकल लेवल के ऊपर वहां एक कम्युनिटी। देखिए पूना के अंदर और आगरा के अंदर 6 लोगों को एक जगह हुआ, उन्होंने माना कि ये हमारा एक लोकलाइज लेवल के ऊपर कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। यहाँ पे स्वीकार करने में कोई यहाँ पे गलती नहीं है। देखिए पहली बात तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं बिचारों की, जिनके ट्रांसफर हो गया है वो कोई भी हो सकता था, चांस फैक्टर है कि वो वहां वो हॉटस्पॉट बन गया। उनको अपराधी मत डिक्लेयर करिए, उनको क्रिमिनलाइज मत करिए, उनके घरों पे पुलिस का जिस ढंग से अब आप दबाव बनाते हैं वो मत करिए, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। और पहले बात तो जिनके घर अच्छे हैं, हॉस्पिटल जाने से कतराना, छुपना, ये कहां की इंसानियत? सर ये इसकी समस्या ये है कि आपने उस इलाके के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, आपने किसको उसका इस्तेमाल किया? आपने क्यों नहीं आपने सुनील शर्मा से कहा कि चलो आप हमारे साथ चलो। मैं आपको दावे से कहता हूं कि वहां लोग इतने प्यारे और इतने अच्छे लोग हैं कि आपको पुलिस की बात करने की जरूरत नहीं, मैं अकेला जाके वहां पे उन सब लोगों के बात कन्विंस कर सकता हूं, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है। दे आर रियली वेरी लविंग पीपल, बट बात एक है, आपने उनको लॉ एंड ऑर्डर की तरह ट्रीट करने की चेष्टा की, बजाय अभी भी उसको अगर अपन ओपन हार्टेडली बात करें, वहां लोकल क्वारंटाइन सेंटर बनाए और उस जगह को बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दें, बिल्कुल सील मीन सील, सील का मतलब बिल्कुल सीलिंग करनी पड़ेगी। और पॉलिटिकल रुकावट कहां आ रही है, समझ में ये नहीं आ रहा है, क्या पॉलिटिकल कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रेशर है जिसके कारण रुकावट आ रही है? और दूसरी बात, अगर हम विधायकों की बात करें, चाहे वही के विधायक की बात करें, वो अपने समर्थकों के साथ अंदर जा रहे हैं, वहां खाना वाना बांट रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने व्यक्तिगत रूप भी, वहां पर महाकर्फ्यू का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है, सवाल हमारा इतना सा है। नहीं देखिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खामियां रही हैं, मैं कहूँ तकनीकी खामियां नहीं है तो मेरी राय में वो भी एक इमेच्योर बात होगी। 100% तकनीकी खामियां रही हैं, मगर देर आयत दुरुस्त आयत, आज भी अगर हम इस काम में अगर लग जाएं तो मैं मानता हूं 1 सप्ताह के अंदर उन चीजों को हम बिल्कुल अलग कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए जयपुर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है, अब आपको छोटी सी बात कहता हूं, सांगनेर गेट से आप बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही आपको वहां पे एक हॉस्पिटल मिलेगा, आपको चांदपोल बाजार से बाहर निकलते हैं वहां आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा। आपको इन दोनों हॉस्पिटल्स को तत्काल COVID-19 हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाना चाहिए था, जिससे पास के पास ट्रीटमेंट मिले। क्वारंटाइन जयपुर के अंदर होता, COVID-19 हॉस्पिटल, आप 4 हॉस्पिटल COVID-19 डिक्लेयर कर सकते थे, एक आप जनाना हॉस्पिटल को COVID-19 डिक्लेयर करते, एक आप सांगनेर गेट हॉस्पिटल को COVID-19 डिक्लेयर करते, एक आप कावटिया को करते और एक आप गणगुरी बाजार को COVID-19 डिक्लेयर करते, आपका SMS का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका फ्री रहता और आपने 4 हॉस्पिटल को COVID-19 डिक्लेयर करते और कोई कॉन्फिडेंस भी होता। वो जगह है जहां वहां के लोगों के लिए जानी पहचानी गलियां हैं, अगर आप उन्हें वहां ले जाके भर्ती करेंगे उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, मगर आप उन्हें मेट्रो मास ले जाना चाहते हैं, आप उन्हें महात्मा गांधी ले जाना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता अगर प्रताप नगर में समस्या आ गई, खुदा ना खास्ता अगर जगतपुरा में समस्या आ गई, तो महात्मा गांधी तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई होगा, तो क्या उनको यहाँ पे सांगनेर गेट लेके आएंगे आप? अब देखिए ये ब्यूरोक्रेटिक इमेच्योरिटी है, ये मैं मानता हूं ये एक्यूमन की कमी है। ये जो भी लोग इस आपदा प्रबंधन को कर रहे हैं, ये उनको इस मतलब उन्हें जिस जन का विजन उनमें होना चाहिए था, आई एम सॉरी दैट इज एबसेंट,
वो 100% एबसेंट है। अदरवाइज ये चारों हॉस्पिटल अगर COVID-19 हॉस्पिटल डिक्लेयर होते, जो मैंने आपको क्वारंटाइन स्पेसेस बताई, उन क्वारंटाइन स्पेसेस को सैनिटाइजेशन करके इस बात के लिए आप प्रिपेयर करते, तो वहां एक साइकोलॉजिकल फियर नहीं बनता, लोग खुद अपने सामने आते, क्योंकि वो जानी पहचानी जगह जहां क्वारंटाइन उन्हें किया जा रहा होता, वो हॉस्पिटल्स उनके लिए बहुत ज्यादा पहचाने हुए, वहां उनके लिए बहुत आसान होता, और फिर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती, और फिर कर्फ्यूज को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाता कि वहां पे परिंदा भी पर नहीं मारता, और ये इसका तरीका है। इसके अलावा टेस्टिंग के भी आपको मोबाइल किट्स आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, आप टेस्टिंग के लिए वहां से अगर स्वाब लेने के लिए हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, अगेन दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग थिंग, आपको मोबाइल स्वाब टेस्टिंग यूनिट्स आपको डेवलप करनी थी, जो वहां लोगों को ले जाती, वहां से स्वाब बनाती। मैं मानता हूँ चीजें अभी भी मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं इस शहर का बाशिंदा हूँ, मैं उस इलाके के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, 7 days की के लिए सॉल्यूशन है, 7 days में उस चीज को बहुत ही इतने शानदार ढंग से सॉल्व किया जा सकता है कि लोग कहें कि वाह, दैट वाज रियली अ ग्रेट, बहुत शानदार ढंग से इस एपिडेमिक को कंट्रोल आपने कर लिया। बिल्कुल सुनील जी, आप जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है और सही हम मान सकते हैं, और इन बातों पर अमल भी सरकार को करना चाहिए। हमारा एक सवाल और यहाँ पर ये है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या आप जैसे शिक्षाविद हों, उन्होंने शुरू में ही ये सभी को कह दिया था कि जो जहां पर है वहीं पर रहें, चाहे वो स्वस्थ हैं, चाहे वो अस्वस्थ हैं, चाहे जैसी भी स्थिति में हैं, वो वहीं पर रहें। अब जिस तरह जो भीलवाड़ा मॉडल की हम बात कर रहे थे, वहां पर 3 चक्र का एक पूरी तरह से उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो तैयार किया था, उसमें ना तो कोई जो नेता है वो अंदर जा सकता है, ना ही कोई मीडिया का आदमी है वो अंदर जा सकता है, और परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता, और उन्होंने स्पेशल टीम जो पुलिस की और चिकित्सकों की गठित की थी वो काफी सक्सेस मानी गई है पूरे देश में। तो यहाँ पर हमारा फिर वही एक और सवाल है कि यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, वो सिर्फ अंदर जो लोग रह रहे हैं उसमें एक बिल्डिंग में 20-25 लोग रह रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग वहां आज भी जा रहे हैं सुनील जी, उसको आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हमारा सवाल सिर्फ इतना सा। नहीं देखिए, बाहर के लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूंगा, हाँ वहाँ इंटरनल मूवमेंट कंप्लीट बंद नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ के मीडिया के लोग भी हमारे जैसे भाई भी जा रहे हैं, वहाँ पर जो सामान देने वाले हैं वो लोग भी जा रहे हैं, देखिए वहाँ पर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी जा रहे हैं। नहीं देखिए, कैसे मान ले नहीं जा रहे? देखिए मैं इस बात को 26 तारीख से उठा रहा हूँ, 26 मार्च से इस बात को उठा रहा हूँ कि इस जंग का मूवमेंट वहाँ रेस्ट्रिक्ट कीजिएगा, आप उनको भी खतरे में डाल रहे हैं जिनके लिए आप ये सोच रहे हैं कि आप उनके लिए सहानुभूति करने जा रहे हैं, आपने उनको रिस्क में डाल दिया, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी रिस्क में लग गई है और हम सब की मैच्योरिटी कारण लग गई है। तो बात एक है कि अभी भी देखिए कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी स्टिल वी कैन कंट्रोल इट, हम बहुत ज्यादा इसको सावधानी से करें। और दूसरी बात है, एक बात और बता देता हूं, उस 1 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को तो आपको फ्रीज कर ही देना चाहिए, स्टैंड स्टिल कर ही देना चाहिए, मगर अगर आपने खुदा ना खास्ता वहां से 15-20 हजार आदमी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनके 10-10, 15-15 जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं उन लोगों को हम बाहर ले जा रहे हैं, तो बात अगर आपने 2-3 हजार लोगों को अगर आप बाहर ले जाएंगे, नई जगह पे ले जाएंगे जो अभी तक अछूते हैं, तो आप पक्का मान लीजिएगा आप जयपुर को उसी गलतियां कर रहे हैं जो इटली लोम्बार्डी में कर चुकी है। लोम्बार्डी में ये भी हुआ था कि लोम्बार्डी के अंदर, पहले इटली के अंदर लोकलाइज था ये इन्फेक्शन, लोम्बार्डी से लोग बाग ट्रांसमाइग्रेट कर गए, नतीजा निकला पूरा इटली की क्या हालत बन गई। अगर आपने एक इंसान के आने से अगर रामगंज में ये स्थितियां बन गई है, अगर 2000 लोगों को अगर आप जयपुर से ले जाएंगे, तो मैं मानता हूं इट विल बी ग्रेट ट्रेजडी जिसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो मेरी राय में इसका बहुत प्रॉपर एक एनालिसिस होना चाहिए, और इस एनालिसिस के ऊपर कोई ना कोई एपेडेमिक जो स्पेशलिस्ट है वो इसके मुखिया होने चाहिए। मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेटिक लोगों की चीजों से नहीं चलेगा ये, इसके अंदर प्योरली डोमिनेशन जो से हो वो लोग हों जो इस चीज को जानते हो, जो जयपुर को भी अच्छी तरह जानते हो, जयपुर की वॉल सिटी को इनसाइड से जानते हो। देखो जयपुर की वॉल, मतलब अभी आई एम रियली सॉरी, जो भी लोग इस पूरे मूवमेंट में लगे हुए हैं उनमें जयपुर की वॉल सिटी को बहुत अच्छी तरह जानने वाले लोग नहीं है, वो नहीं जानते कि सॉरी मानसिंह टाउन हॉल कितना बड़ा है, उन्हें नहीं पता। मैं अगर राजेंद्र हजारी गार्ड बोल रहा हूँ तो उनमें अधिकांश लोगों को ये भी पता नहीं कि राजेंद्र हजारी गार्ड है कहाँ, तो उन्हें नहीं पता कि माधव विलास के अंदर हम COVID-19 का 5वां हॉस्पिटल बना सकते थे। तो अंदर ही हमारे पास माधव विलास है, हमारे पास जनाना है, जनाना सेकंड है, हमारे पास कावटिया है,
हमारे पास गणगौरी बाजार है, हमारे पास लॉट ऑफ फैसिलिटीज है, हम वहां की फैसिलिटीज को इस्तेमाल करें, वहां की फैसिलिटीज को एम्पावर करें, वहां के लोगों का वहीं ट्रीटमेंट करें, वहां के लोगों को वहीं क्वारंटाइन दें और वहां के लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, तो वो भी बचेंगे और बाकी शहर भी बच जाएगा। नहीं तो नतीजा ही निकलेगा, वहां तो हालत हमारी खराब हो ही गई है और बाकी शहर भी उस पोजिशन में आ जाएगा जिससे वापस हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएंगे। चलते चलते हम आपसे एक सवाल ये भी चाहेंगे कि लगातार आप और हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, काफी कुछ पूरे देश और दुनिया में लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी कहीं ना कहीं छुप रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं, अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं लोगों से, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि उनके साथ साथ उनका परिवार और आस पड़ोस में जो लोग रहे हैं वो भी इस महाबीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं देखिए, वैसे तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे राजस्थान में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत जी की खुद की अपनी एक मास अपील है, लोगों को उन पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है, मगर फिर भी इस कॉन्फिडेंस को और बिल्ड किया जाना चाहिए। मैं देखिए, मैं इस बारे में तो शक शुबा रख नहीं रहा हूं, मगर उसके लिए परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, उनमें एक डिसफेथ बन गया है, तो उस डिसफेथ को दूर करने का काम स्टेट का है। देखिए, मैं तो बहुत साफ बात कह रहा हूँ कि इस जब भी अगर लोगों में अगर डिसफेथ आ गया है तो उस डिसफेथ को, उस अविश्वास को दूर करने का काम सरकार का है, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि भाई अगर बीमार हो गए हो तो तुमने कोई गुनाह नहीं कर दिया, तुमसे कोई गलती नहीं हो गई है, अभी तो आपने जो पिछले दिनों में हुआ कि आपने बीमारों का क्रिमिनलाइजेशन सा कर दिया है, उनमें अपराध बोध ला दिया है, उनमें गिल्ट ला दी है, आपने उनको लग रहा है कि हमसे कोई बहुत बड़ी गुनाह हो गई है, और जब आप उनमें गुनाह की फीलिंग ला देंगे तो बेचारे छुपेंगे। आपको पहले बताना पड़ेगा, ये किसी को भी हो सकता है, ये मुबारक को भी हो सकता है, ये सुनील को भी हो सकता है, ये राधे श्याम को भी हो सकता है, ये मोहम्मद इकबाल को भी हो सकता है, इसमें किसकी गलती नहीं है। जब तक आप ये फील नहीं लाएंगे तब तक उसको आपने अभी तक सोशल क्रिमिनलाइज कर दिया, उसका मोरल क्रिमिनलाइजेशन कर दिया है, तो सोशल एंड मोरल क्रिमिनलाइजेशन से बाहर निकालिए इस समस्या को, अदरवाइज तो ये होगा जो बीमार हो गया समझ लीजिए वो आइसोलेशन में, वो सोसाइटी से, आप सोसाइटी उसको बड़ा हे दृष्टि से देखेगी, अगर हे दृष्टि से आप देखेंगे इसको, आप ये मानिएगा आपने इसको सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम बना दी है, इसको मोरल प्रॉब्लम बना दी है, तो ये स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज से उसको बाहर लेके आए। मैं मानता हूं कि वैसे राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, छोटे से अगर करेक्शंस अगर कर ले तो मैं मानता हूं कि जयपुर बहुत प्यारा शहर है, यहाँ के बाशिंदे बहुत अच्छे हैं, ये एक बहुत स्वर्ग था, स्वर्ग है और स्वर्ग रहेगा। निश्चित तौर पर सुनील जी, आपने जो जो बातें बताई, हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो सरकार हो चाहे वो आम जनता हो, वो इन बातों का पूरी तरह से ध्यान रखेगी, और जो व्यक्ति भी अभी भी अगर थोड़े से भी संक्रमित होते हैं या थोड़ा खांसी जुकाम होता है तो उनको निश्चित तौर पर पड़ोस के जो डॉक्टर हैं या जो सरकारी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं उनमें संपर्क करें, और घबराने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सरकार हो चाहे समाज सेवी लोग हों चाहे आप और हमारे जैसे लोग हों, सभी लोग आपके साथ खड़े हैं, आपकी मुसीबत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हाँ, हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से जरूर कहना चाहेंगे कि वो जो अपने अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हों चाहे आईपीएस अधिकारी हों, उनके साथ साथ कुछ समाज सेवी लोग, कुछ शिक्षाविद लोग और अनेक क्षेत्रों के लोगों से भी लगातार सलाह ले और उन सलाहों पर अमल करने की कोशिश करें। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जाते आप सलाह ले नहीं ले, मगर भगवान के वास्ते इन 2000 लोगों को अगर आप विस्थापित करेंगे या ज्यादा लोगों को विस्थापित करेंगे तो फिर शहर को आप उस मुकाम पे ले जाएंगे कि फिर मे बी पॉसिबल ये शहर न्यूयॉर्क बन जाए। इस बारे में बस ध्यान रखें, मैं तो हाथ जोड़ के बस ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम सरकार से और आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि जो जहां पर है वहीं पर रहें, चाहे वो स्वस्थ हैं चाहे वो अस्वस्थ है, सरकार उनके घर तक जाकर उनका इलाज करेगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था रखेगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें अपनी सलाह अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.